हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है सेवन, और चैप्टर का नाम है भोजन और जल की शुद्धता, प्योरिफिकेशन ऑफ फूड एंड वाटर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्योरिफिकेशन ऑफ फूड एंड वाटर पढ़ेंगे, मतलब भोजन और जल की शुद्धता पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन का शुद्धिकरण। क्या आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है? भोजन का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ फूड। जब हम जो हम भोजन करते हैं उन भोजन को हमें शुद्ध कैसे करना चाहिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि हम जो भोजन करते हैं, ठीक है, जो हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। हमारा भोजन साफ सुथरा और कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। जो भोजन हमारा दूषित हो जाता है, उन भोजन को हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन को हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमेशा शुद्ध भोजन ही हमें करना चाहिए। यदि हम दूषित भोजन ग्रहण कर रहे हों करते हैं तो हमें अनेक बीमारियों को झेलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अनेक बीमारियों को झेलना पड़ेगा यदि हम दूषित भोजन ग्रहण करते हैं तब। इसीलिए हमें हमेशा शुद्ध भोजन और शुद्ध जल को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे जब भोजन दूषित का होता है उस पर कोई मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं या उनमें कोई कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। मक्खियाँ जो होती हैं वह कूड़े ढेर पर क्या होती हैं? प्रजनन करती हैं। जो मक्खियाँ होती हैं जहाँ पे कूड़ा लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। प्रजनन मतलब अपनी जैसी कई तरह की मक्खियों को उत्पन्न करती हैं। और वे कूड़े में क्या करती, वे कूड़े से अपने साथ दस्त, अतिसार, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियों को लेकर आती हैं। वे जब कूड़े में क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। और वह कूड़ा क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक होता है। तो वह कूड़े से हैजा, टाइफाइड, अतिसार, दस्त इत्यादि जैसे खतरनाक बीमारियां लेकर आती हैं, ठीक है। टाइफाइड आदि रोग जो होते हैं वह कीटाणु द्वारा ही होते हैं। भोजन को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए हमें अपने भोजन को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए हमें निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब हम अपने भोजन को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, जैसे कि जो हमारा भोजन है वह शुद्ध है, उन्हें शुद्ध करने के लिए, उन्हें कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के उपाय करना चाहिए। पहला उपाय हमारा क्या है? हमें भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ठीक है। भोजन को क्या करना चाहिए? हमेशा ढककर रखना चाहिए। भोजन को स्वच्छ वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। जिसमें हम भोजन रखते हैं वह कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? वायुरोधी होना चाहिए। ऐसे बर्तनों में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बर्तनों में हमें अपने भोजन को रखना चाहिए, ठीक है। वायुरोधी रहेंगे तो क्या होगा? नमी तथा कीटाणु उसमें प्रवेश ना कर सके, ठीक है। जब वो वायुरोधी रहेगी तो उसमें ना तो नमी प्रवेश करेगी और ना ही उसमें कीटाणु प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भोजन को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। भोजन को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। दूसरा उपाय हमें क्या करना चाहिए? दूसरा उपाय हमारा यह है कि भोजन को पकाकर खाना चाहिए। जो भी हम भोजन करते हैं उसको अच्छे से पकाकर खाना चाहिए। भोजन पकाने से भोजन क्या होता है? पकाने से भोजन एवं उसमें डाले गए जल में उपस्थित कीटाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें जो डाले गए भोजन या और जल होते हैं, जो उनमें उपस्थित कीटाणु होते हैं वह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन को हमेशा पकाकर खाना चाहिए। पकाकर भोजन खाने से उनमें उपस्थित कीटाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा उपाय हमारा क्या है? भोजन को सावधानी से उठाना तथा क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। हमें जो भोजन हमारा होता है उन्हें सावधानी से उठाना और रखना चाहिए, ठीक है। यदि कोई भोज्य पदार्थ फर्श पर गिर जाए
ठीक है, यदि कोई भोज्य पदार्थ फर्श पे या जमीन पे गिर जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें भोजन को उठाने और रखने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यदि गलती से भोजन फर्श या जमीन पे गिर गया तो उस भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है, उस भोजन को हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चौथा उपाय आप लोगों को क्या है, जैसे कि हम दूध का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए। दूध दूध हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो दूध को हमें कीटाणुओं से नष्ट कैसे करना है, दूध को अधिक समय तक रखने के लिए अधिक समय, मतलब दूध को हमें क्या करना चाहिए, अधिक समय तक शुद्ध रखने के लिए, यदि हम दूध को अधिक समय तक शुद्ध रखना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, आधे घंटे तक लगभग 65 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 65 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करना चाहिए, उबालना चाहिए, लगभग कितने घंटे तक, आधे घंटे तक, ठीक है, आधे घंटे तक हमें दूध को 65 डिग्री सेल्सियस के ताप पर क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, दूध को शीघ्रता से क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए हमें उन्हें फ्रिज में रख देना चाहिए, ठीक है, शीघ्रता से उन्हें ठंडा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्रिज में रख देना चाहिए। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पाशुचीकरण क्रिया। क्या कहते हैं, पाशुचरी क्रिया कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, पाशुचरी क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम इसे पाशुचरी क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पाशुचरी क्रिया कहते हैं, पाशुचरीकरण या पाशुचरी क्रिया कहते हैं। जब हम दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पे लगभग आधे घंटे तक गर्म करते हैं और उन्हें शीघ्रता से ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पाशुचरी क्रिया या पाशुचरीकरण कहलाती है। यह क्रिया ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कहलाती है, यह पाशुचरीकरण, ठीक है, पाशुचरीकरण कहलाती है। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया। इस तरह की क्रिया करने से क्या होते हैं, दूध में उपस्थित कीटाणु, यदि अधिक दूध को हम लोग गर्म करते हैं तो कीटाणु उनमें नष्ट हो जाते हैं, और ठंडा होने पे भी जो उनमें कीटाणु उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब दूध के कीटाणु अधिक गर्म तथा ठंडा होने पे क्या हो जाते हैं, ठंडा वो क्या कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और वे अतः शीघ्र ही मर जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग इस क्रिया से सभी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। जब हम यह क्रिया करते हैं, पाशुचरीकरण की क्रिया करते हैं, तो दूध में उपस्थित सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, दूध में उपस्थित सारे पोषक तत्व जो होते हैं वह क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट उपाय हमारा क्या है, अक्सर हम लोग बाजार में जाते हैं तो बाजार में हम लोग देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है, तो बाजारों में अक्सर खुले या कटे फल मिलते हैं या खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो हमें ऐसे फल या ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो मार्केट में खुला हुआ खाद्य पदार्थ हो या कटा हुआ फल हो, उन खाद्य पदार्थों और उन फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिठाइयां तथा दूसरे भोज्य पदार्थ लेते समय हमें यह देख लेना चाहिए कि वह खुले तो नहीं है, जैसे कि जब हम मार्केट में जाते हैं यदि हमें कुछ खाद्य पदार्थ या मिठाइयां ले ली हो तो हमें यह देख लेना चाहिए कि कहीं वह खुली अवस्था में ना हो, यदि खुली अवस्था में हो तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए। यदि मिठाइयां और खाद्य पदार्थ ढके हुए हों तो हमें तब भी हमें उन पदार्थों को लेना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें खुले हुए भोजन या कटे हुए फल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो खुले हुए भोजन होते हैं कटे हुए फल होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की मक्खियां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न आती हैं, और वो मक्खियां क्या ला मक्खियां कहाँ पैदा होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मक्खियां कहाँ पर रहती हैं, कूड़े में रहती हैं, और वह कूड़े से गंदगियां ले आकर वह खाद्य पदार्थों पर क्या होती हैं, फैलाती हैं। यदि हम
खुले हुए खाद्य पदार्थ या फलों को खा लेते हैं तो हम अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी खुले हुए खाद्य पदार्थ या कटे हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दूध एक संपूर्ण भोजन है। दूध क्या है, एक संपूर्ण भोजन है। यह रखने पर जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कि जब हम दूध को ज्यादा समय तक रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसमें कीटाणु रहित करने के लिए अच्छी तरह उबालना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दूध को कीटाणु रहित करने के लिए इसको हमें अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से उबालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भोजन के परिरक्षण का अर्थ भोजन के कीटाणुओं से रक्षा करना होगा। जब हम भोजन का परिरक्षण करते हैं, मतलब भोजन की परिरक्षण करते हैं, तो परिरक्षण का मतलब होता है कि भोजन को कीटाणुओं से मुक्त करना। ठीक है, भोजन को कीटाणुओं से रक्षा करना या भोजन को कीटाणुओं से मुक्त करना, यह हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने भोजन का परिरक्षण करते हैं। भोजन को निर्जल, निर्जल मतलब जल रहित, जिसमें जल ना हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निर्जल कहते हैं। निर्जल करने, उबालने, सुखाने, नमक तथा चीनी का गाढ़ा घोल मिलाने से या उन्हें फ्रिज में रखने से भोजन कीटाणु मुक्त रहते हैं। जैसे कि भोजन को हमें क्या कैसे करना स्वस्थ रखना है, कीटाणुओं से मुक्त रहित करना है, तो उसके लिए हमें भोजन को निर्जल, उबालने, सुखाने, नमक तथा चीनी का घोल बनाने या फ्रिज में रखने से भोजन में कीटाणु नहीं उत्पन्न होते हैं और वह भोजन कीटाणु मुक्त होता है। तो यह तो था आप लोगों का भोजन का शुद्धिकरण, मतलब हमें भोजन को शुद्ध कैसे करना है। मैंने आप लोगों को कई उपाय बताए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस उपाय का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप इस उपाय का अनुसरण करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमें, यदि हम स्वस्थ रहे तो हमारा, जैसे कहा भी गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को जो भी नियम बताए आप लोग उसका फॉलो करिएगा और स्वस्थ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जल के शुद्धिकरण के बारे में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल के शुद्धिकरण के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए और बताए गए उपायों का भी अनुसरण करिए। थैंक यू।